हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक की पूरी। पालक की पूरी आप भी बनाइए, बच्चों के टिफिन में दीजिए या नाश्ते में खाइए। बहुत ही अच्छी पूरी है, इसे आप जरूर बनाइए। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पालक पूरी बनाने की सामग्री है 200 ग्राम पालक। पालक को हमने सबसे पहले साफ किया, उसके बाद में इस तरह से तोड़कर अच्छे से धो लिया है। 1 कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच बेसन, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच सूजी। अब हम पालक को मिक्सी में डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में कट करके और पीस लेंगे। पालक को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब हम 2 चम्मच पानी डालेंगे और पीस लेंगे। देखिए, हमने पालक को पीस लिया है और अब हम बाउल के अंदर गेहूं का आटा डालेंगे, सूजी डालेंगे, बेसन डालेंगे, अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को थोड़ा क्रश कर लेंगे इस तरह से हाथों पे रखकर। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और तेल डालेंगे। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम पीसे हुए पालक को डालेंगे और सख्त डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जरूरत के अनुसार लेंगे। देखिए, हमने सख्त डो तैयार कर लिया है और अब हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। सेट होने के बाद हम पूरियां बनाएंगे। 10 मिनट हो गया है, आटा हमारा सेट है और अब हम ऊपर से आधा चम्मच तेल और डालेंगे और मसल लेंगे। देखिए, हमने अच्छे से मसल लिया है और अब हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। अब इस तरह से हम एक लोई को हाथ पे लेंगे और पेड़ा बनाएंगे। उसके बाद हम चकले पे रखेंगे और पूरी बेलेंगे। इसी तरह से हम सारे पूरी को बेलेंगे। इसी तरह से हम पूरियां बेलेंगे और तेल में फ्राई करते जाएंगे। पूरी को तलने के लिए हमने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है और पूरी तलने के लिए तेल को अच्छा गरम होना बहुत जरूरी है। और अब हम आंच को मीडियम रखेंगे और पूरी को तलेंगे। सबसे पहले हम एक छोटी सी पूरी डाल के देख लेते हैं तेल हमारा गरम है या नहीं। तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है और अब हम पूरियों को तलेंगे। अब हम पूरी को तलेंगे। देखिए, पलट लेंगे। पूरी अच्छी फ्राई हो गई है और अब हम टिश्यू पेपर पे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पूरियों को तलेंगे। पालक की पूरी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट पूरी बनी है।
पूरी को आप बनाइए और अचार या कोई भी मनपसंद सब्जी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।